अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम एक मुहिम पे निकले हैं, जमील, मैं और तीसरा बंदा भी आएगा तो फिर आपको बताएंगे। तो आज का जमील इंट्रो कराएगा और सारा डिटेल वगैरह बताएगा कि क्या। जमील सारी बात नहीं बतानी, आधी बतानी, क्योंकि अगले व्लॉग में फिर डिस्क्लोज़ करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है, हमें नहीं, फराज़ अमीद। इस वक्त हम फराज़ अमीद के घर के बाहर खड़े हैं और मोरखा 20 मई है आज, 20 मई, और एक 21 मई को एक वो चीज़ होने जा रही है जिसका फराज़ अमीर को सारी ज़िंदगी से इंतज़ार था, और आई होप वो सब खैर वाफियत से हो जाए। तो हम उसी मुहिम के लिए निकले हुए हैं, और आशिर ने भी, हम फराज़ घर के बाहर ही डेस्टिनेशन बता सकते हैं, हम जा रहे हैं पिशावर। पिशावर हम जा रहे हैं और जमील की हमारा ये सफ़र 7.5 घंटे का होगा, उम्मीद है, और हम उम्मीद करते हैं कि जाएंगे ना, बस 7.5 घंटे में पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। और बाकी आपने स्टे ट्यून्ड रहना है हमारे साथ ही, बीच में रहना, क्योंकि आगे बहुत ज़बरदस्त चीज़ आने वाली है, क्योंकि क्यूरियस होंगे आप लोग क्या होने वाला है, ऐसा कि हम पिशावर क्यों जा रहे हैं, तो सब कुछ आपको पता रहेगा बाद में। तुमने बता दिया मेरे ख्याल से। अच्छा, यहाँ हम अब रेडी होके निकलने लगे हैं। ये रहा फराज़, ये आंटी, अंकल और हैदराबाद जी। आंटी बताएं आपको कैसा लग रहा है? मुझे लग रहा है रुखसत हो रहा है फाजी जैसे बेटियों की रुखसती होती है ना, इसकी रुखसती है, मुझे पता चल रहा है इसकी रुखसती है। ठीक है अंकल, आप क्या कहेंगे? अल्लाह ताला मेरे बेटे को 4 चांद लगाए, अच्छी रोल साबित हो, वो भी ठीक, उसका एक कदम जो है हमारे लिए अच्छा शगुन साबित होगा इंशाल्लाह। जी हाँ जी, लाला के लिए थोड़ा सा बुरा फील कर रही हूँ। सही है ठीक है, चलें ठीक है, चलें आंटी, बस वाचे। हाँ जी ठीक है। ये नूर भाई हैं, नूर भाई आप क्या कहेंगे? बताओ। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं है। अब इसके ही बच्चे उठाएंगे, पहले इसको उठाया। ये फराज भी आ गए फाइनली, आधा घंटा इंतज़ार करवाने के बाद, और हमें कह रहा था बहुत जल्दी है, तो रख ले, मुझे तो कोई मसला नहीं है। हाँ। कह रहा है सामान के ऊपर सामान ना मेरे, ये ले। ओ यार वो हो जाएगा ना, ये क्या क्या कहते हैं, कपड़े इस तरह खराब हो जाएंगे कपड़ों के, इसकी जरा काम लेंगे इसके, बगैर आदमी उधर से वो मैसेज करवा लेंगे। ठीक है, इसी साथ लेके जा रहे हैं। कौन सी बात की? ये वाले नहीं, उधर इस्त्री भी मिल जाएगी, अगर ना हुआ तो कर देगा। नहीं मैं सर, मैं आपको कर देता हूं, मैं आपको अपनी उस पे लेके जा रहा हूं, श्योरिटी के साथ। ओके, आपकी इंश्योरेंस भी करवाई है मैंने। अच्छा भाई, ये घर से हम निकल रहे हैं और आपसे मुलाकात होती है हर रास्ते में, बस दुआ कीजिएगा खैर खैरियत से हम पिशावर पहुँच जाएँ। अच्छा, ये सफ़र का आगाज हो चुका है और पेट्रोल शेट्रोल डलवा रहे हैं। ओके, ये घोड़े पे ना बैठ। अच्छा भाई, क्या मुताम पे हम रुके हैं इधर, इसी पे ना चले, इधर आना फराज, इधर आ, बता तो दे हम पिशावर करने के जा रहे हैं। पिशावर हम बड़े नेक काम के लिए जा रहे हैं। काम तो नेक है, क्या बता दे बस। ये अभी से ना डिस्क्लोज करना, अच्छा, पूरे सारे लोग पूरी वीडियो देखेंगे तभी जाके आप लोगों को एंड पे बताएंगे कि हम किस मकसद के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो मुझे जुड़े रहो। वीडियो के जी पिशावर हम पहुंच गए और इस टाइम हो रहा है 8:15 और हम निकले थे तकरीबन 1 बजे। सब 1 बजे? हाँ सब 1। 7 घंटे लगे? 7 घंटे लगे हमें ऑलमोस्ट। हाँ सही था, और बस पिशावर की गलियों को नापते हुए हम पहुंचते हैं अपने लोकेशन पे। हमारे साथ जमील है, पीछे गोदा सेठ भी बैठा, और बस अभी पहुँचते हैं, खाना शाना खाते हैं और उसके बाद मेरे ख्याल से सोना ही पड़ेगा, ऐसी यार नींद बहुत आ रही है। अच्छा जी, फाइनली हम सुबह को यहाँ पर पहुँच गए थे तकरीबन 8, 8:30, 9 बजे तक, और उसके बाद फिर यहाँ पर चेक इन किया और थोड़ा फिर नाश्ता किया, और उसके बाद फिर सोए थे, और ऐसे सोए हैं कि पता ही नहीं लगा
अब उठे हैं तो दोबारा से खाना खाया, चलते हैं बाहर और फिर यहाँ पर घूमते शूमते हैं, ज़रा इन्जॉय करते हैं, देखते हैं माहौल यहाँ का किस तरह से, और फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं, आपने साथ रहना है ठीक है। चले जमील, जमील आ जा। ये है नमक मंडी, सदर बाजार। सदर गोलगप्पे वाले बहुत खड़े हैं यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि अच्छे सराफा बाजार भी है यहाँ पे, ज्वेलर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे सारे, बड़े बड़े ज्वेलर्स बैठे हुए हैं पेशावर के। सदर हर हर शहर का जो तरह होता है ना सदर, उसकी तरह ही है, कोई खास नहीं है यहाँ पे वैसे। तो इस वक्त हम नमक मंडी जा रहे हैं पेशावर की। तो पहले हम जा रहे थे वाया कंटोनमेंट रोड, तो उन्होंने हमें डाइवर्ट कर दिया कि आप यहाँ से ले जाएँ, एक कैंटीन है तो नमक मंडी आप यहाँ से नहीं आएंगी, तो उन्होंने हमें डाइवर्ट कर दूसरे रास्ते पर, थोड़ा सदर से गुजरना था वो रास्ता, आपको दिखाया मैंने पिछले ब्लॉग के अंदर। हिस्टोरिकल बिल्डिंग आ रही है राइट में, ये राइट में हाथ दिखाता हूँ सफर तो का फ्रेम हो गया। ये एक मस्जिद से नमाज की चीज़ आ रही है, आई डोंट नो क्या है, इस्लामी यूनिवर्सिटी पेशावर भी हो सकती है, बहुत कदीप बिल्डिंग लग रही है मुझे तो, ये अंग्रेजों के ज़माने की, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं है। लेफ्ट में भी बताने की चीज़ है, ये है म्यूज़ियम है, पेशावर म्यूज़ियम, पेशावर म्यूज़ियम था ये। ये पेशावर फोर्ट आके करीब से गुजर रहे हैं हम, और इवन नमाज का टाइम हो गया। देख रहा हूँ इसलिए तो पूछा था, ये सामने कोई कदीमी गेट आ गया अभी मेरे ख्याल से, ये सामने एक गेट आ गया है, कोई कदीम सा गेट आ गया। कौन सा गेट है देखी? रहमत मोहम्मद दुरानी चौक लिखा था, रहमत कुछ ऐसे ही है। ये एक और गेट सा आ रहा है, मेरे ख्याल से बाद में बनाया गया गेट है। जी एक पेशावर का फोर्ट आ गया, इट लुक्स लाइक टू बी अ मिलिट्री प्रिजर्व एरिया, क्योंकि यहाँ पर चौकियाँ बनी हुई हैं मिलिट्री जो कि ओवरसी कर रही हैं रोड को। अच्छा है, बहुत मतलब बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है, इट लुक्स लाइक ह्यूज वन। जिस तरह हमारा मुल्तान में है ना कि वॉल सिटी के बाहर ही हमारा किला था, उसी तरह का ही है तकरीबन। इट लुक्स इट इज ग्रैंड एंट्रेंस, अच्छी एंट्रेंस। टेक द नेक्स्ट लेफ्ट ऑन ट्रंक रोड नेशनल हाईवे, इट्स हेडक्वार्टर फ्रंटियर कॉर्प्स का रोड था, सनेरी मस्जिद रोड। इट यूज्ड टू बी अ फोर्ट फॉर सम और समथिंग फॉर द रूलर्स, बट नाउ इट्स फॉर इट्स फ्रंटियर कॉर्प्स का किला था ये। ये हम इस पेशावर के इस वक्त आए हैं मिलिट्री के टोनट एरिया में, और ये हमें ऑडी मिली है एक्सएल 7330। ऑडी वालों ने पता नहीं कब निकाला ये मॉडल, उन्होंने बताया नहीं मार दुनिया को मार्केट, और है भी डबल ऑडी है, डबल ऑडी है, डबल ऑडी मल्टीपल, उसके ऊपर ऑडी के लोगो बने हुए थे माशाल्लाह, सुबह ना लगा के शेयर कीजिएगा। 36 GB पड़ा। अच्छा भाई अभी वापस रूम में आए और अभी पेशावर का ज़रा घूम, सदर भी घूमे और नमक मंडी, हम कैंट एरिया आए। हाँ वैसे नॉर्मली हम कैंट एरिया में घूमते रहे, पेशावर में तकरीबन कैंट एरिया ही था तकरीबन सारा, बाकी जो हाँ जो दूसरा जो कैंट से बाहर वाला इलाका है वो तकरीबन सारा। कैंट से बाहर जो इलाका था वो थोड़ा छोटे छोटे रोड थे और सारा इस तरह से ना। अच्छा मेट्रो वाला इन्होंने सिस्टम बहुत अच्छा बनाया हुआ है ना जमीन। अच्छा कैंटोनमेंट वाला जो इलाका था ना जमीन सारा वो मतलब काफ़ी अच्छा और खूबसूरत बना हुआ था ना, बाकी जो फोर्ट था मिलिट्री ने रखा तो मेंटेन था, करना होता ना मिलिट्री के पास ठुका ही जाता। हाँ फोर्ट भी तकरीबन काफ़ी अच्छा लग रहा था। अच्छा एक चीज़ तुझे बताओ, जो पेशावर के अंदर ना कैंट वाला इलाका और जो दूसरा इलाका है, इन दोनों का डिफरेंस ऐसा है जैसे पिंडी और इस्लामाबाद जमील है नहीं ऐसे ही, मतलब कैंटोनमेंट इतना खूबसूरत अच्छा बड़े रोड्स और सारा उस तरह से वो इस्लामाबाद बन जाता है और बाकी पिंडी है तकरीबन। अगर आपने पिंडी और इस्लामाबाद को एक ही शहर में देखना तो आप पेशावर आ जाए। नमक मंडी हम जाना था वहाँ जा नहीं सके, तो देखते हैं कल शायद जाएँ, नहीं तो फिर अगले ही ट्रिप पे वहाँ जाना पड़ेगा। नमक मंडी यार जाते हैं मोटरसाइकिल पे ना? हाँ वहाँ पर गाड़ी वाला सिस्टम मेरे ख्याल से नहीं है, रास्ता नहीं था, बहुत रश था और हमारे पास टाइम तो था। अस्सलाम वालेकुम मालिक साहब, बहुत बहुत मुबारक हो यार। अच्छा भाई अभी सारे इधर इकट्ठे हुए हैं खाना खाने के लिए,
और ज़रा गपशप हो रही है, सारे शुगर शुगर लगा रहे हैं और उसके बाद खाना खाते हैं और उसके बाद फिर आपको सबसे बारी बारी मिलवाते हैं। मैंने कहा है कि अब आप हमारे ना कबीले में आ रहे हैं, 24 आग हमारे सोच आपके सामने हैं, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, कोई मसला हो तो फौरन आपने रिंग कर देनी है। करूंगा करूंगा क्या बताने फाजी के बारे में? फाजी मेरा फेवरेट बच्चा है, ये मैं बता सकती हूँ, मेरा फेवरेट है। मैं तो मेरा किसी का 100% होगा लेकिन मेरा 200% है। फिलहाल तो मैं मैरिड क्लब में नहीं आया, बट ही इज अ वेरी गुड गाय। हाँ बताओ फाजी के बारे में, बताओ फाजी कैसा बच्चा है? जी वो कह रही हैं लैला बहुत लकी, उनको बने बनाए मामू मिल गए। फराज ये खाना कहाँ से आया? खाना कहाँ से आया? क्या मतलब नहीं आया? पेशावर के एक बड़े फेमस रेस्टोरेंट से आया। नहीं वो तो है, भिजवाया किसने? नहीं भिजवाया। ये खाना ये वहाँ से आया है। ये क्या चीज़ है? प्लेटर आई थिंक है, मिक्स प्लेटर है, बारबेक्यू प्लेटर। और यहाँ पर इसके अंदर क्या चीज़ है? आई हैवंट इवन ओपन्ड इट येट। इट्स मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई है, पोक है, यहाँ नान है और इसके अंदर भी आई थिंक वही सेम मटन कढ़ाई होगी इसके अंदर भी। और ये दही इसके अंदर चिकन कढ़ाई नहीं मटन है, ये भी मटन है। आशीर आप एक उठा के वहाँ ले जाओ, ये एक उठा के उधर ले जाओ। तुम काफ़ी है आपको? हाँ काफ़ी है। ये सिर्फ आपके लिए है। अच्छा भाई अब खाना ट्राई करने लगे हैं और यहाँ पर ये मटन की कढ़ाई है, वो ट्राई करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसी भी। जी दही भी डाल लेना, मटन कढ़ाई मज़े की है ना। अच्छा जी खाना शाना खा लिया था और इतना ज़बरदस्त खाना था, बहुत मज़ा आया है। जमील ऐसे ही है बिल्कुल मज़ा आया ना। तो अब हम आए हैं यहाँ पर लेयर्स पे आइसक्रीम वगैरह खाने, तो मैं खाल से ब्राउनी वगैरह। यार ब्राउनी खाएगा क्या खाएगा तुम? क्योंकि संडेज अच्छे होते हैं, संडेज अच्छा होता है। अच्छा भाई लेयर्स पे हम रुके थे, वहाँ पर कुछ पसंद नहीं आया क्योंकि वहाँ पर केक्स थे, हमने आइसक्रीम वगैरह खानी थी। तो अब इधर आए हैं डाउनटाउन और देखते हैं कि यहाँ से कुछ अच्छा मिलेगा तो वो खाते हैं। सर 1500 जी अपनी ब्राउनी और इसका बिल तुम दे दो सर। अच्छा भाई ब्राउनी यार इनकी बहुत ही मज़े की है, ये आप देख रहे हो बहुत रीजनेबल अमाउंट है। हाँ बहुत रीजनेबल है और ये आप देखो ब्राउनी है, साथ आइसक्रीम के ऊपर इन्होंने नट्स लगाए हुए हैं, वेफर्स हैं और उसको क्रश करके डाला हुआ है। और क्या चीज़ है जमील इसके ऊपर? गाँव चल रहे हैं बड़ा कमाल गाना यार, कॉपीराइट आ जाएगा ना कर। अच्छा मतलब ओवरऑल बहुत मज़े की और प्राइस इसका वैल्यू फॉर मनी है ये ब्राउनी विद आइसक्रीम इनकी ना, सिर्फ 300 रुपये की, 300 की ना, 350 की। बहुत मतलब अगर मुल्तान में देखा जाए तो मुल्तान के लिहाज से बहुत रीज़नेबल है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। जमील तेरा क्या ख्याल है? बहुत फिट है। जमील और मैंने बनाई थी। और फराज तेरा फलूदा कैसा था? अच्छा था, अच्छा था, बहुत अच्छा था। अच्छा था को बताना कि क्या सही था, मतलब नूर भाई आप बताएं कैसा था? टॉपिंग थी और नट्स आला था और अंदर बस आइसक्रीम ही है।